पता नहीं बाद उसने में बात कर क्यों। लेना, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है, तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो, लेते आऊंगा। मुझे ना महंगे तोहफे बहुत पसंद है, तो जब आओ वक्त लेते आना। तुम्हें लेट। ओ सर जी, खुद का ना थोड़ा ख्याल रखा करें। मैं मानती हूँ कि ये जिंदगी आपकी है, पर आप जान तो हमारे हैं ना। लड़कियों को मनाना आसान काम थोड़ी ना, कई बार हमें खुद ही नहीं पता होता कि हमारा मूड किस बात पे ऑफ है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने शेयर करने जा रही हूँ एक ग्रे आइज मेकअप ट्यूटोरियल, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही स्मोकी आइज बनेगा आपका इससे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ विथ ड्रेस के साथ। तो जैसे कि मैंने सबसे पहले प्राइमर अपने स्किन के लिए ले लिया था, हुडा ब्यूटी का प्राइमर है, बहुत ही अच्छा वाला प्राइमर है, अफोर्डेबल है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। पूरे स्किन को मैंने लगाने के बाद अपने चेहरे पे मैंने एक सीरम अप्लाई किया था, जो कि मैंने DIY तैयार किया हुआ है। आप अगर इसका आपके पास लिंक ना हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसके थ्रू जा कर के ले सकते हो। जब मैंने अपने पूरे चेहरे पे इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, ब्लेंड करने के बाद आप देख सकते हो मैंने एक कंसीलर स्टिक लिया है, जो कि ओलिविया का है। ओलिविया कंसीलर स्टिक भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, जो कि आप ब्लेंडर कोई भी कंपनी का ले सकते हो। ब्लेंडर सिर्फ आपको थोड़ा सा इसको पानी में डाल करके इसको पूरी अच्छी तरह से आपको निचोड़ लेना है, जिसकी वजह से आपका जो मेकअप रहे ना वो एकदम सेट होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने उसको वही करके रखा था, उसके बाद मैंने अपने पूरे आइज़ के ऊपर इसको ब्लेंड किया, एंड देन मैं अपने आइज़ के लिए मेकअप शुरू करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने पहले से ही एक टेप अप्लाई कर लिया है। अब मैं इसके लिए सबसे पहले स्मोकी आइज़ बनाने के लिए मैं अब ब्राउन कलर का शेड ले रही हूँ, और जो कि मैं अपने क्रीज लाइन पे, अपर क्रीज लाइन पे मैं इसको फिल कर रही हूँ। जब तक मेरा वो कलर नहीं आएगा तब तक मैं इसको फिल करती रहूँगी। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोगों को स्मोकी आइज करना है तो सबसे अच्छा वाला तरीका मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, जो कि आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। और अब मैं बता रही हूँ, जो अगर आप अपने टेप लगा करके करते हो आँखों के पास, तो आपका जो आई मेकअप है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा आपके लिए और बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए होगा। क्योंकि अगर आप ऐसे करते हो ना तो आपका आई शेडो वहीं तक बना रहेगा जहाँ तक आप चाहते हो, और अगर आप बिना टेप के करते हो ना तो थोड़ा सा मैसी होने का हो जाता है। बट कोई नहीं, आप देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके से। अब मैं ले रही हूँ वाइट कलर का शेड। तो जैसे कि आप इसको ले चुके हैं तो आप अच्छे से इसको ब्लेंड करिए अपने आईज के ऊपर, और जब तक कलर ना आए ना, क्योंकि ये थोड़ा सा कलर है ना, आप अपने आईज के ऊपर करें ना तो थोड़ा सा ये खुल के आने की कोशिश करेगा। जो ब्लैक कलर हम लगाएंगे ना तो वो ज़्यादा खुल के आने की कोशिश करेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो मैंने एडियस कंपनी की पेंसिल ले ली है, आप इसकी जगह पे कोई भी ब्रांड की कंपनी की ले लीजिए, बहुत ही अच्छा वाला। वो सिर्फ काजल हमको लास्ट में थोड़ा सा वो करना है, क्रीज कॉर्नर साइड पे इसको कलरिंग करना है, बाकी इसके बाद तो हमारे पास जो है वो हम करेंगे ही। आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा इसको कोने साइड पे लगा लिया है, और दोनों जगह पे मैं कुछ इसी तरीके से लगा लूँगी। बहुत ही अच्छा ये स्मोकी आइज बनेगा, आप देखते रहिएगा। और बहुत ही, आप अगर वाइटनिंग ये सब नहीं भी करें ना तो भी बहुत ही अच्छा बनेगा, बस ट्राई करने की देरी होती है। तो अब मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ, और उसके बाद से मैं अच्छे से इसको ब्लेंड करूँगी, और देख सकते हो आप उसको थोड़ा लाइटनिंग करूँगी। और अब मैं ब्लैक शेड लेकर के उधर थोड़ा सा अच्छे से डार्क शेड देने की कोशिश करूँगी, क्योंकि वैसे भी वो पेंसिल से हम जब ब्लेंड करते तो वो होता ही है वैसा। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसको अच्छे से इसको कॉर्नर में लुक देना शुरू कर दिया। आप देख सकते हो मेरे दोनों आईज एकदम कम्प्लीटली ऑलमोस्ट डन जैसे लग रहे हैं। बट अब मैं थोड़ा सा ग्लिटर पैलेट उधर शेड्स लगा दे रही हूँ, ग्लिटर जैसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखेगा आपका ये। और मैं अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग ही थोड़ा सा ले लिया है, और उसी के हिसाब से उसको डैप डैप करके मैं उधर लगा लूँगी। आप कोई भी ब्रश से लगा सकते हो, कोई भी ब्रश, मतलब छोटे ही ब्रश से लगाना है, बड़ा ब्रश यूज़ नहीं करना है इधर। तो आप देख सकते हो मेरा शेड कितना अच्छा दिख करके आ रहा है। आप अगर आप ऐसे ट्राई करोगे ना तो आपको जरूर ये वाला शेड आएगा और आप कर पाओगे।
और इसको थोड़ा सा शिमरी लुक देने के लिए मैंने थोड़ा सा व्हाइट शेड इसको मैं बीच में रफ करूंगी, थोड़ा सा शाइनी लुक आने के लिए, बहुत ही अच्छा लुक देगा, आप देखते रहिएगा आगे। मैंने इसमें आपको सारे ब्रांड के नाम बताए हैं, आप ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हो। साथ ही मैंने सब आपको दिखा भी दिया, आप देख रहे हो मेरा आईज का वो मेकअप। तो ये हो गया हमारा आईज मेकअप, जो कि ग्रे आईज मेकअप है, बहुत ही अच्छा वाला आई मेकअप बना है। आप मेरा लास्ट में लुक देखोगे, इतना ज़्यादा सुंदर लुक आया है। आप इसको एक गेस्ट मेकअप की तरह भी बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हो, जैसे अगर कोई आ रहा हो तो हम नॉर्मल सा ऐसा सिंपल सा मेकअप कर सकते हैं। देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके से शेड दिया, बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। तो अब मैं इन दोनों को अच्छे से निकाल लूंगी। निकाल लेने के बाद यार एक तरफ से इतना ज्यादा चिपक गया था कि निकल ही नहीं रहा था। ओके, अब मैंने जैसे दोनों निकाल लिया और आपने को मैंने अच्छे से दिखा दिया कि मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया था। अब मैं कंसीलर से थोड़ा सा वहां पे ऊपर जो भी थोड़ा ब्लैक जैसा दिख रहा है उसको व्हाइटनिंग शेड दे दे रही हूँ। कि गाइज मैंने आप लोगों को इसमें दिखाया था कि मैंने क्या यूज़ किया है कंसीलर से, मैंने अपने पूरे चेहरे को वो कर लिया, जो भी डार्क शेड थोड़े से दिखते हैं ना, थोड़ा सा माइंडली अपने चेहरे को ये टिकाऊ बना देता है, मतलब टिकाऊ जैसे कि आपके चेहरे में लाइटनिंग थोड़ी आ जाती है, वाइटनेस थोड़ी आ जाती है, फेयरनेस आ जाती है, इसी के लिए हमें ये यूज़ कर लेती हूँ मैं कभी कभी अपनी वीडियोज़ में। अगर आप भी करते हो ना तो बहुत ही अच्छा वाला शेड आएगा, ये ज़रूरी नहीं है कि हम वही यूज़ करें तो ही। उसके बाद मैंने फाउंडेशन को भी अपने चेहरे पे अप्लाई किया है, तो मैं अब इसको कुछ विंग साइड में आई शेड आई लाइनर ले ले रही हूँ, सॉरी विंग साइड में मैंने लिया है। और ये आई लाइनर एडियस का है। तो गाइस जैसे कि मैंने इसमें पहले ले लिया था अपना ये कंसीलर से, मैंने अपने चेहरे को थोड़ा सा फेयरनेस दे दिया था ऑलरेडी। अब मैं थोड़ा सा 925 का लैक्मे का फाउंडेशन ले ले रही हूँ, जो कि अपने पूरे चेहरे पे अच्छे से ब्लेंड करूँगी और अपने चेहरे में वो जो मुझे कलरिंग है उसको लानी है। मैं अपने आंखों की साइड पे ज़्यादा करती हूँ बिकॉज ऑफ मेरा बेबी है, मुझे उठना मैं कभी कभी रात को जगी रहती हूँ तो ब्लैक हेड सॉरी डार्क सर्कल आ जाते हैं। और आपको अब हमेशा अपना ब्लेंडर है ना उसको हमेशा वॉश पहले धो करके अच्छे से उसको निचोड़ लो, उसके बाद ही आपका देखना आपका जो मेकअप है ना इतना अच्छा टिकेगा और इतना अच्छा दिखेगा ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब मैं अपना एक अपने आई शेडो में से जो कि हिलेरी रूडा का बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है वो भी तो उसी से मैं अपने आईब्रोज को फिल कर ले रही हूँ। ब्लैक ही शेड लेती हूँ, कोई कोई लेता है दूसरा, पर मैं ब्लैक ही लेती हूँ। थोड़ा सा ये लग जाने की वजह से मैंने उसको मिटा लिया था नीचे से। अब मैं अपने लिप्स पे मैंने ऑलरेडी पहले से लिप बाम अप्लाई कर रखा था, तो अब मैं ले ले रही हूँ NYN का लिप बाम, जो कि 24 नंबर का शेड है और जो कि ड्रेस के ऊपर बहुत ही अच्छा जा रहा था, सोचा मैंने यही यूज़ करूँ। आप कभी कभी देखोगे ना कि रेड लिपस्टिक
हम रेगुलर यूज़ पे भी लगाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा ग्लोई सा लुक। तो गाइस जैसे कि मैंने लिपस्टिक लगा लिया, 24 नंबर का शेड है, और मैं इसके आगे मेरे हाइलाइटर ऑलरेडी लगा लिया था और वो वीडियो क्लिप मिस हो गई है, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। और अपने चेहरे में फिक्सर मार लिया था तो अब आईज के पास मैंने लगा लिया। ये मेकअप लुक मेरा रेडी है, मेरा ऑलमोस्ट मेकअप रेडी था, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का मेकअप आया। आई मेकअप आप देख लो अच्छे से, आप लोगों को पसंद आती है ये वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा प्यार दो इस वीडियो को, सपोर्ट करो, आप लोगों का एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। ओके बाय। लव यू ऑल। ये लो, तुमने मुझे वॉशरूम में बेसिन के पास रख दिया था, ये मैं ही तो हूँ तुम्हारा पति। इतना कीमती पेश कीमती, इसमें मेरी जान बसती है और तुम्हारा सुहाग बसता है। तुझ पे भी तो यार मरते हैं हजार, तुझको छुपाऊं। मान लो आपके पास 10 चॉकलेट हैं। क्यों मानूं? अरे मान लेना, तेरे बाप के क्या जाता है। ठीक है। हाँ तो उसमें से 5 मैंने ले ली, तो बता कितनी बची। 15। कैसे मान लेना, तेरे बाप को क्या जाता है।